व्हाट्स अप दोस्तों, वेलकम बैक टू फैन ब्लेज फैंटेसी बाइट्स फॉर गेम नंबर 40। मगर पहले गेम नंबर 39 की बात करते हैं। ओवरऑल सैडली विनर प्रेडिक्शन मेरा गलत आया, मगर ब्रिस्बेन हीट से मैंने परफॉर्मर बोला था क्रिस लिन 50 मारा, एंड मैंने पंट पिक बोला था जो डेनली, उसने 31 मारे। इमाद वसीम की एक विकेट, पीटर हैट्सग्लो ने दो विकेट ली जो मैंने बोला था, और केन रिचर्डसन की एक विकेट रही। जो टीम दी थी उसकी काफी मीडियोकर परफॉर्मेंस रही। होपफुली मैच 40 में कुछ अलग होगा फॉर मेलबर्न स्टार्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स। दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए 5K फ्री लीग कोड भी है, सो प्लीज कीप वॉचिंग। मैच हो रहा है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। हेड टू हेड दोनों टीम्स में एडिलेड 7-5 से आगे है। पिछले 10 गेम्स में एडिलेड मेलबर्न स्टार्स को 7-3 से डोमिनेट करता है, और पिछली 5 गेम में 4-1 से। पिछली 3 गेम्स इन अ रो एडिलेड ने मेलबर्न स्टार्स को हराया है, अर्लियर दिस सीजन भी हरा चुकी है। मेलबर्न स्टार्स स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग, मगर विद 5 लॉसेस इन द लास्ट 6 गेम्स दे आर सिटिंग इन द 7th पोजीशन। एडिलेड स्ट्राइकर्स 5 विन 5 लॉसेस के साथ नंबर 4 स्पॉट पे बैठी हुई है। टीम्स के बीच हाईएस्ट स्कोर एडिलेड स्ट्राइकर्स का है 187/5, एंड लोएस्ट स्कोर भी एडिलेड स्ट्राइकर्स का है 90/9। सबसे ज्यादा रन मार्कस टॉइनिस के हैं फॉर मेलबर्न वर्सेस एडिलेड, 228 रन। दूसरी तरफ वी हैव जोनाथन वेल्स विद 204 रन फॉर एडिलेड वर्सेस मेलबर्न। दोनों ने अच्छे रन मारे पिछले मैच में भी। सबसे ज्यादा विकेट्स मार्कस टॉइनिस की हैं वर्सेस एडिलेड, 4 विकेट्स। मगर ऑन द अदर हैंड वी हैड पीटर सिडल, उसकी 8 विकेट्स थी, बट नाउ जो खेलेगा वैसे एगा, उसकी 7 विकेट्स है वर्सेस मेलबर्न स्टार्स। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे मैच होने वाला है, और इस ग्राउंड पे हम लोग पिछले 13 मैच देख रहे हैं लोएस्ट स्कोर 74 ऑल आउट रहा है सिडनी सिक्सर्स का मेलबर्न के अगेंस्ट, हाईएस्ट स्कोर 219/1 मेलबर्न स्टार्स का था वर्सेस सिडनी सिक्सर्स जैन 2020 में। हाईएस्ट रन चेज यहाँ कितनी रही है 148 की, 160 प्लस टोटल विल बी एन इजी टू डिफेंड टोटल। लोएस्ट डिफेंड कितना हुआ है 134 का स्कोर बाय मेलबर्न वर्सेस ब्रिस्बेन। जैसे मैंने कहा कि हम लोग लास्ट 13 मैचेस देख रहे हैं, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 162 है, एवरेज सेकंड इनिंग 134, काफी गिर जाता है। बैटिंग फर्स्ट की 8-5 से एडवांटेज है, स्टार्स का होम ग्राउंड है ये, 25 जीते यहाँ पे और 19 लॉसेस। एडिलेड स्ट्राइकर्स अपने तीनों मैच इस ग्राउंड पे हारी है, बट कल की बैड न्यूज ये कि इट्स गोइंग टू बी अ रेनी डे, शावर्स आर एक्सपेक्टेड थ्रू आउट द गेम, 16-18 के बीच में टेम्परेचर रहेगा। इस ग्राउंड की विकेट की बात की जाए तो इस सीजन पहला मैच हो रहा है इस ग्राउंड पे, तो इट्स हार्ड टू टेल राइट नाउ, बट ओवरऑल यहाँ का जो पिच है, बहुत टाइम से यहाँ पे T20 क्रिकेट खेला जा रहा है, इट प्लेज लाइक अ वेरी गुड विकेट फॉर बैट्समैन एंड बोलर्स। थोड़ा यहाँ का विकेट जो है क्विक विकेट है, तो द बॉल कम्स ऑन टू द बैट वेल एंड बैट्समैन गेट गुड रिजल्ट्स फॉर गुड शॉट्स, बट यहाँ पे पेसर्स को भी हेल्प मिलती है। 160 प्लस का टोटल यहाँ पे एक अच्छा टोटल होता है टू डिफेंड, बट बिकॉज बारिश अराउंड है एंड पहला मैच है इस ग्राउंड पे, तो एक्सपेक्ट इस गेम में फॉर द टीम्स टू विन द टॉस एंड फील्ड फर्स्ट, बट आगे के मैचेस में वो चेंज होने वाला है। हम लोग स्क्वाड रिपोर्ट की बात करें तो नो निकोलस पूरन फॉर मेलबर्न स्टार्स, बट सिमिलर टीम के साथ जाएगी एज देयर लास्ट मैच। दूसरी तरफ नो पीटर सिडल, नो राशिद खान फॉर एडिलेड स्ट्राइकर्स, सो दे विल हैव टू फाइंड गुड रिप्लेसमेंट्स फॉर बोथ ऑफ देम इन देयर प्लेइंग 11। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की बात की जाए, मैक्सवेल पिछले मैच में फर्स्ट बॉल डक पे जरूर आउट हुआ, बट अदरवाइज ही हैज 255 रन्स दिस सीजन फॉर हिज टीम। स्टॉइनिस ने उसको ओवरटेक कर लिया विद 277 रन्स नाउ 160 के स्ट्राइक रेट के साथ। 97, 34, 47 हैव बीन हिज रीसेंट इनिंग्स। एलेक्स कारी स्टार्ट सारी है, 250s भी आए हैं, बट एक बिग स्कोर इज अराउंड द कॉर्नर, 279 रन है 8 इनिंग्स में, मोस्ट रन फॉर एडिलेड दिस सीजन। एडम जंपा हैज डन वेरी वेल, 12 विकेट्स स्पेशली इन द लास्ट 6 गेम्स, एंड पिछले मैच में भी इसकी 2 विकेट थी। वेस एगार इज वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स दिस टूर्नामेंट, 17 विकेट ले चुका है एंड सिर्फ एक मैच गया है जहां पे ये विकेटलेस रहा है। जोनाथन वेल्स की बात की जाए तो ही हैज 130 रन इन हिज लास्ट 4 गेम्स, और पिछले मैच में भी इसने 36 रन मारे वर्सेस मेलबर्न स्टार्स, एंड इसके सबसे ज्यादा रन हैं वर्सेस मेलबर्न स्टार्स। लियम हैचर ये बीच में इंजर हो गया था, बट ओवरऑल ही हैज 10 विकेट्स इन दिस BBL एंड ही इज अ जेन्युइन विकेट टेकिंग बॉलर एज वेल। कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस ऑफ कोर्स एलेक्स कारी, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टॉइनिस, ये 3 मेन कैप्टन ऑप्शंस होने वाले हैं। वाइस कैप्टन में वी हैव जोनाथन वेल्स, वी हैव निक लार्किन एंड फिल सॉल्ट। स्पेशली निक लार्किन, फिल सॉल्ट GL के लिए बहुत अच्छे वाइस कैप्टन ऑप्शंस रहेंगे। मेरे परफॉर्मर प्रेडिक्शंस टू बी ऑनेस्ट पिछली बार राइट आए थे, और इस बार भी आई एम गोइंग टू स्टे विद देम, दे विल कैरी द मोमेंटम इनटू दिस गेम। मार्कस टॉइनिस एडम जंपा बैट बॉल से फॉर मेलबर्न, एलेक्स कारी वेस एगार बैट बॉल से फॉर एडिलेड। मगर मेरा पंट पिक पिछली बार निक मैडिसन था, इस बारी मैं उसके साथ निक लार्किन को भी डालूंगा, एंड दूसरी तरफ आई एम गोइंग टू से दैट डैनियल वॉरल विल बॉल वेल अलोंग विद वेस एगार, इसकी भी पिछले मैच में 2 विकेट्स थी, एंड पिछली बार
I had predicted a Melbourne Stars win. गलत आया था. इस बार I'm going to stick to that because राशिद और सिडिल के बिना शायद एडिलेड थोड़ी सी खोखली बन गई है. So let's see क्या होता है. Melbourne Stars is my prediction. दोस्तों, this is my fantasy team. Alex Carey, vice captain, Stoinis captain, with Maxwell, Renshaw because Renshaw opening कर रहे हैं. Jonathan Wells, Jake Weatherald and Nick Larkin इस टीम में with Wes Agar, Daniel Worrell, Zampa and Rainbird. This is also a good team. अगर Adelaide पहले batting करती है, अगर Melbourne पहले batting करती है, Weatherald की जगह आप Nick Maddison को डाल देना इस टीम में. But overall, it is a very good balanced team and it's filled with performers. अब दोस्तों, specially आप लोगों के लिए एक free बल्लेबाजी 5K league code for this game. Code is CT Friday. CTFRIDAY. अगेन, एक नहीं, दो नहीं, 11 टीम्स के साथ आप ज्वाइन करिए एंड फ्री में ज्वाइन करिए. स्टेप 1-4 फॉलो करिए एंड यू विल विन रियल मनी माय फ्रेंड्स. फिर बोलूंगा, 300 लाइक हुए तो सैटरडे के मैच के लिए 10K लीग लाऊंगा. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल. शेयर दिस लीग कोड विद योर फ्रेंड्स एज वेल. गुड बाय एंड गुड लक टू यू ऑल.